नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर अपडेट मिल ही गया होगा कि 6 सितंबर 2021 को ईपीएफओ की एक बैठक यहां पर होने जा रही है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें यहां पर जोरों शोरों से चल रही है कि इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर छोटी बड़ी सभी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नया लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ से आपके तक भेजें वो आप तक सबसे पहले यहाँ पर पहुँच जाए। तो दोस्तों, जो नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से, वो यहाँ पर ये है कि ईपीएफओ की जो बैठक होने जा रही है ये ईडीएलआई जो बीमा कवर योजना होती है उसको लेकर होने जा रही है, न कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। यानी कि जो ईपीएफओ के अंतर्गत पीएफ खाताधारक, पीएफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको एक बीमा कवर दिया जाता है जो कि 7 लाख रुपए तक यहाँ पर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश कर्मचारी की मृत्यु यहाँ पर होती है तो उसे 7 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। तो सरकार की योजना इसे और यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाने की, इसमें और विस्तार करने की यहाँ पर हो रही है और इसी को लेकर ये बैठक यहाँ पर होने जा रही है। इसमें ईपीएस 95 पेंशन का कोई भी मुद्दा यहाँ पर जो है शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के 3 मेंबर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर उन सीबीटी के मेंबर से, सीबीटी सदस्यों से निवेदन ये रहेगा कि जब आप ईडीएलआई बीमा योजना को इतना हर साल यहाँ पर बढ़ोतरी कर रहे हैं, 7 लाख, अब हो सकता है आगे इसे 8 लाख 9 लाख भी यहाँ पर जो है कवर दिया जाए, तो उसकी बजाय क्यों ना ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में यहाँ पर वृद्धि की जाए। क्योंकि जो बीमा कवर वाले व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है। ईपीएफओ के अंतर्गत ऐसे बहुत कम कर्मचारी होते हैं जो कि यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर मृत्यु होती है और उन्हें बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि योजना अच्छी है, बीमा कवर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे ही आगे बढ़ाने की बजाय यदि उसकी बजाय यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कुछ वृद्धि की जाए तो ये भी यहाँ पर जो है ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था कि ईपीएफओ की जो बैठक होने जा रही है ये ईडीएलआई बीमा कवर योजना को लेकर होने जा रही है। हालांकि इसमें 3 सीबीटी के सदस्य, सीबीटी के मेंबर जरूर शामिल होंगे, वो अपने प्रस्ताव यहाँ पर जरूर रखेंगे। अब वो क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्या ईपीएस 95 पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं या नहीं, ये अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो बैठक का एजेंडा निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन पर चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि ईडीएलआई बीमा कवर को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सो आई होप दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से भरोसेमंद और ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हम पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।